सीएम राइज स्कूल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल टेक चंद्र जैन पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लगाए आरोप। खनिया थाना स्थित सीएम राइज स्कूल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल टेक चंद्र जैन पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि उनसे सौंपे गए निर्यात कार्य के अलावा अन्य कार्य भी कराए जाते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो सीएम राइज के प्रिंसिपलों के द्वारा उन्हें नोटिस देकर नौकरी से हटाए जाने की धमकी दी जाती है। जब इसका विरोध किया जाता है तो सीएम राइज के प्रिंसिपल के द्वारा उन्हें नोटिस देकर नौकरी से हटाए जाने की धमकी दी जाती है। इसकी शिकायत आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते लगातार सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को मानसिक परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तुड़वाई जाती हैं दीवारें। खनियाधाना के सीएम राइज में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि उनका काम स्कूल के साफ सफाई और झाड़ू पोछा का है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल उनसे गड्ढा खुदवाने से लेकर दीवार तोड़ने तक का काम कराते हैं। पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि मेरे पास बैटरी वाली स्कूटी है, जिसे मैंने एक दिन स्कूल में चार्ज पर लगा दिया था। इस पर प्रिंसिपल ने मुझे नोटिस जारी कर दिया था। सफाई कर्मचारी संगीता इरवार का कहना है कि मेरा काम स्कूल के सफाई करना है, लेकिन इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा मजदूरी के भी अन्य कार्य कराए जाते हैं। जब इसका विरोध करते हैं तो उनके द्वारा नोटिस देने की धमकी दी जाती है। प्रिंसिपल की मनमानी के चलते मुझे और मेरे बच्चों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सीएम राइज स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ प्रदीप कुशवाहा ने बताया कि मेरा काम सिक्योरिटी का है, लेकिन इसके बावजूद प्रिंसिपल के द्वारा मुझसे मजदूरी कराई जाती है। साथ ही उन्हें अपनी बाइक का पेट्रोल खर्च करके बाइक से लेने और छोड़ने जाना पड़ता है। जब इसका विरोध किया जाता है तो वह नोटिस देकर नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। कुछ दिनों पहले बोरवेल की मोटर खिंचवाने की मजदूरी मुझसे कराई गई थी, जिससे मैं बीमार पड़ गया था। अगले दिन न आने के कारण प्रिंसिपल ने मेरी गैर हाजिरी लगा दी थी। सिक्योरिटी गार्ड संजीव कुशवाहा ने कहा कि बच्चों को स्कूल से जल्द छोड़ने के भी आरोपी भी प्रिंसिपल पर लगाए हैं। हाउसकीपिंग का काम करने वाले मनोज कुमार वंशकार का कहना है कि प्रिंसिपल के निर्देशानुसार हम अपने काम के अतिरिक्त अन्य कामों को भी करना पड़ता है। डाक लगाने से उन्हें लेने और छोड़ने बस स्टैंड पर भी जाना पड़ता है, जिसका पेट्रोल खर्चा उनके द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि हमारी वेतन 9000 रुपये के लगभग है। इसके अतिरिक्त दीवार तोड़ने से लेकर गड्ढा खोदना और स्कूल की पुताई का कार्य भी हमारे ही द्वारा कराया जाता है। जब मामले में सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल चंद्र जैन से बात करना चाहा तो उनके द्वारा मुद्दे को भांपते हुए फ़ोन ही नहीं उठाया गया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर का कहना है कि सभी के निश्चित कार्य तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर मनमानी और लापरवाही की जा रही है तो निश्चित जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। नाम दिया। मेरा नाम पुष्पेंद्र लोधी है। आप ये सीएम राइज स्कूल खनियाना में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं झाड़ू पोछा करता हूँ और झाड़ू क्लास साफ करता हूँ, साफ करना है, लेटरिन बाथरूम साफ करना है। अभी आप ये एक दीवार तोड़ रहे थे। हाँ, तो जबरदस्ती तोड़वा जाता है, नहीं तो कहते हैं हम तुमको हटा देंगे, करना है तो नौकरी ढंग से करो, मजदूरों की तरह कराया जाता है। तो ये सफाई के अलावा और क्या का काम करवाया जाता है? जैसे कि ये दीवार तोड़ना है, अब गड्ढा खुदवाना है, बहुत सारे काम करवाते हैं। किताबें उठवा भी गए थे, हम बोले किताब उठवा भी नहीं जाते हो तो हम तुमको नोटिस देते हैं। और जो स्कूल में टीचर रहते थे वो ईटा चलाते थे, तब तो बिल नहीं बढ़ा मेरा। एक दिन गाड़ी की बैटरी लो हो जाने के कारण मैंने गाड़ी की चार्ज पे लगाई, तो गाड़ी मेरी चार्ज वाली है, तो इसलिए उनने मेरा नोटिस निकाल दिया कि तेरे को हटा देंगे हम। संगीता हरवाल, आप ये जो मॉडल स्कूल है, इसमें आप काम करती हैं, क्या काम है आपका? हमारा दिन का काम है, सफाई कर्मचारी है, और जी हमसे ओवर भी काम लेते हैं, अनाप शनाप बोलते भी हैं, गलत भी बोलते हैं, काम का भी बोलते हैं कि ये करो काम, नहीं नोटिस निकालेंगे। हाँ, कोई बाई करेगा तो कोई तू करेगा, कोई तय करेगा, ऐसे बात करते हैं। हाँ, गुम्मे भी रखते हैं और थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो हम लोगों की एब्सेंट भी लग जाती है, बच्चे भी देखने पड़ते, घर भी देखना पड़ता, परिवार में ऐसे थोड़ी है कि ऐसे टीचरों जैसे है कि यहीं पे आके बैठ जाए पूरे दिन। सुबह 9 से 7-8 बज जाते रात में, सुबह आने का टाइम देखते, जाने का कोई टाइम नहीं देखता। मजदूरों की तरह काम कराते हैं सर। नाम भैया? मेरा नाम है संजीव कुशवाहा। आप ये मॉडल स्कूल में किस पद पर हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड हो के आप अभी दीवार वगैरह तोड़ रहे थे और ये गुम्मे वगैरह रख रहे थे? सर, मुझसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, नहीं कहते हैं आप स्कूल से हट जाओ, नोटिस निकाल देते हैं, हटाने की धमकी देते हैं। और मैंने एक बार मोटर डाली थी सर, खुद पाइप निकाला था मैंने बोर मोटर का, और मोटर डलवाई, मैं बीमार हो गया, मुझे कोई छुट्टी नहीं दी गई,
मेरी दूसरे दिन एब्सेंट लगा दी और साहब मुझे जबरदस्ती कहते हैं तुझे मुझे बस स्टैंड से लेना आने पड़ेगा और बस स्टैंड पिछोर से मुझे लेने जाना पड़ता है अपनी गाड़ी से, पेट्रोल बार 1 रुपए नहीं देते हैं और लेने नहीं जाता हूँ तो मुझे हटाने की धमकी देते हैं। आपको कितना सैलरी कितनी मिलती है? सर मुझे 9,700 रुपए मिलते हैं। 9,700 तो गार्ड के अलावा आपसे ये भी काम कराया जाता है? हाँ कराया जाते हैं सर, घर का भी और झाड़ू पोछा भी कराया जाता है। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ सर, बार बार टॉर्चर करते हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। हमसे कहते हैं कि तुम बच्चों को क्यों छोड़ रहे हो, ये पढ़ाते नहीं है, बच्चों को छोड़ देते हैं किसी भी टाइम, कल छोड़ दिया 12 बजे। क्या नाम है? मनोज कुमार बंसकार। ये आप सीएमराज स्कूल खनिया थाना में हो? जी सर। आपने आरोप लगाए हैं आपसे, आपके काम के अलावा और अन्य भी काम कराए जाते हैं? जी सर, मैं यहाँ पे सर हाउस कीपिंग पे हूँ और जब टीचर बुलाता है तो मैं कहा सफाई कर्मी के नाम से बुलाता है सर। और सर हमारा काम है सर पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, ऑफिस साफ करना, क्लास साफ करना और बाथरूम साफ करना। बट सर हमारे लिए है ना क्या है कि कहीं कहते हैं गड्ढे खोद दो, कहीं कहते हैं इधर पे जे, वो तो ठीक है सर कि हम गड्ढे खोद देते हैं लेकिन सर ये कहते हैं पुताई कर दो सर, पुताई करवाई जाती है हमसे सर। और सर हम सर जब पेंट वेंट सामान लेने जाते हैं तो सर ये हमसे ही हमारी गाड़ी चलवाते हैं। 9,000 सर हमें रुपये मिलते हैं बट सर कोई भी पेट्रोल नहीं मिलता है। साहब को लेने भी जाते हैं सर, हम गाड़ी से लेने जाते हैं, डाके भी हम लगाते हैं सर अपनी गाड़ी का पेट्रोल जला के। इनसे अगर गाड़ी मांगते हैं तो कहते हैं तुम नौकरी कर रहे हो पैदल जाओ, तो शाम कहते हैं पैदल जा रहे हो। तो आप एक दीवाल तोड़ रहे थे, क्या है ये? सर दीवाल सर इनने सर हमसे कल कहा कि आप ये दीवाल तोड़ दो, तो हमने कहा ठीक है सर तोड़ देंगे। अब जैसे आज कह रहे हैं सर कि इसको आपको बनाना भी है और बिल्कुल चिकनी करके देना है, आप लेबर ही हो हमारी नज़र में, ये ध्यान करना। इनका कहना ये है सर, कृपान सर मोहन सोनी जी और हमारे प्राचार्य जी, ये तीनों सर हमारे ऊपर इतने तरीके से बने हुए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हम सर ऐसे काम करते हैं सर, मैं सवेरे 9 बजे 9:30 पे आ जाता हूँ सर और शाम को सर मुझे कुछ 7 बजे छुट्टी है। छुट्टी के दिन भी आप छुट्टी सर पूरा सर 8 घंटे 9 घंटे काम लेते हैं ये सर। और ये दो लोग तो सर सोनी जी और ये जो मोहन सोनी जी हैं और ये कृपान सर है, इन्हें कोई काम नहीं है, बस हमारे लिए आके यहाँ पर सर टॉर्चर करना है। आपका कितने समय रहता है सर? ये कहते हैं सर कि 8 ही घंटे 9 घंटे काम करो सर। हम आपका कितने घंटे रहता है सर? हमारी छुट्टी इतना ही सर, हमारी छुट्टी नहीं है सर, ये बताते हैं कंपनी वाले। और हम इनसे कहते हैं सर, रिक्वेस्ट करते हैं प्राचार्य से कि सर हम प्राचार्य से कहते हैं सर कि हमारे लिए सर 4 घंटे का टाइम दे दो कि हमारी ड्रेस धुल जाए, घर पर भी बच्चों के लिए सर हम कुछ ला दें, रख दें राशन पानी। लेकिन सर ये कहते हैं कि नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हें पूरा टाइम। और हटाने की सर नोटिस की धमकी देते हैं सर बार बार।